अब हम लोग जा रहे हैं कपिल धारा दुग्ध धारा घूमने के लिए। अब देखते हैं उधर क्या क्या मिलते हैं, फिर आगे की वीडियो देखते रहेंगे। फिर दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गाड़ी का स्टॉपेज है, यहाँ पे आपको अपना जो गाड़ियाँ हैं वो तो यहीं खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे आपको दुग्ध धारा और कपिल धारा जो है आप उसको देखने जा सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप कई प्रकार की मार्केट मिल जाएगा, जैसे कि फूल वगैरह हो गया, दवाई वगैरह हो गया, ये जितने भी हैं आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे कपिल धारा जो है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा, तो वहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलते रहिए आप ही हमारे साथ। कुछ VIP गाड़ियाँ होती हैं जिसे परमिशन दे दिया जाता है, इसकी वजह से वो अंदर चले आते हैं। तो कपिल धारा का जो नजारा है आप देख सकते हैं यहाँ से। अबे वहाँ पर जाना है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से झरना गिरती है और इसी को कपिल धारा बोलते हैं। तो हम दूर से और देखना चाहेंगे, तो चलिए चलते हैं दूर से और देख लेते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं, नीचे से ऊपर कर दिशा देखते हैं। अब ऊपर से नीचे देख लिए, अब चलते हैं नीचे। तो नीचे में आपको जो दर्शनीय स्थल है वो दुर्वासा ऋषि का प्राचीन गुफा है, जिसे दुर्धारा भी कहते हैं, वो आपको नीचे में मिलेगा। तो उसके लिए हमें समथिंग 500 मीटर और दूर जाना पड़ेगा, तो इसी रास्ते से हम जाएंगे। और जो सामने में सीढ़ी है उससे हम नीचे उतरेंगे, उसके बाद जो है हम नीचे का नज़ारा देखेंगे, उसके बाद फिर दुर्धारा की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये सीढ़ी है और यहीं से आप आ जा सकेंगे, और हम इसे नीचे उतर रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ लंबी है यार, जैसे नीचे उतरोगे तब तो सही रहेगा, चढ़ने के टाइम ना हालत ख़राब हो जाएगा, तो आप आराम से उतर चढ़ सकते हैं। नीचे में कैलाश आश्रम आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे में एक आश्रम है जिसे कैलाश आश्रम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक दूध धारा जाने के लिए और एक कपिल धारा जो नीचे है वहाँ जाने के लिए। तो इधर जैसे कि जाएंगे तो ये कपिल धारा मिलेगा आपको, और जैसे इधर जाएंगे आप तो ये दूध धारा मिल जाएगा। तो चलिए पहले कपिल धारा से घूम के आते हैं, उसके बाद फिर दूध धारा की ओर चलेंगे। एक बार डाल दीजिए।
तो दूध धारा को जैसे आप नीचे से देखेंगे तो उसका नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ जब नीचे आप आएंगे तो उसकी सुंदरता जो है और बढ़ जाता है, और ये नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो ये तो देखने लायक ही रहता है। तो चलिए और चलते हैं नीचे की ओर। तो देखिए इसका नीचे से नज़ारा कैसे दिख रहा है। तो इसका नज़ारा देखिए कैसे दिखता है इनसे। तो दोस्तों हम लोग कपिलधारा से बाहर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं दूध धारा की ओर, और इधर से ही रास्ता है, तो चलिए चलते हैं। तो ये वाली वो सीढ़ी है जिससे हम आए थे, और जैसे कि इधर जाते हैं तो कपिलधारा है, और जैसे हम इधर की ओर चलते हैं तो इधर दूधधारा है। चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे के वो तेजी से ताकि जल्दी पहुंच सके, और देखते हैं नीचे का नज़ारा क्या है। इधर लोगों का भीड़ बढ़िया रहता है, ऐसे सुना नहीं रहता, इधर कोई ना कोई आते जाते रहते हैं। और ये पहाड़ के नीचे का नज़ारा है जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। कभी आइए आप, कभी नहीं आए होंगे तो बढ़िया है एरिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कभी थक जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको आराम करने के लिए जगह मिल जाएगा, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो सीढ़ियाँ भी कुछ मिलेगी। तो दोस्तों ये है दूध धारा, और आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, पीछे से समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ। तो ये है दूध धारा यहाँ का, जैसे कि ये झरना गिर रहा है नीचे से, ये दूध धारा हो जाता है। ये दूध धारा है, दूध धारा कैसे मतलब, ये दूध धारा का झरना है, और अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पानी जो है आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़कर ये नदी का रूप ले लेती है, और ऐसी इसकी लाइफ चलती रहती है। दूध धारा में जैसे आएंगे तो पहाड़ है, और पहाड़ के नीचे में गुफा बना हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ और देखते हैं क्या चीज़ है। वापस
और ये सुरंग है और यहाँ हम घुस रहे हैं, पर देखते हैं अंदर में क्या है। अच्छा तो यहाँ जो है माता रानी का मूर्ति है। तो ये माता रानी का मूर्ति है, देख रहे हैं गुफे के अंदर में। तो हमने माता रानी का दर्शन कर लिया है, अब हम निकलते हैं यहाँ से। एक प्रकार की गुफा है और यहाँ देख सकते हैं आप, इधर भी गुफा है तो यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बंद है और ये कुछ गोदाम टाइप का बना हुआ है पार्क के नीचे में। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर वापस निकलते हैं। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं। इस तरह ये जो झरना है वो आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इधर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है दूध धारा, और जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ के ये नीचे की ओर चली जाती है पानी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना यार, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग जगह में। तो ठीक है दोस्तों, गुड डे, जय हिंद, जय भारत, जय